संसद चूक के बाद हरियाणा विधानसभा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हरियाणा विधानसभा के दर्शक दीर्घा में कैमरे लगाए गए हैं। दर्शकों के पास पर इस दौरान खास तौर से सावधानी बरती जाएगी। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा अपनाई जा रही है। दर्शक दीर्घा के पास सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। संसद भवन में हुई सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा विधानसभा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा विधानसभा दर्शक दीर्घा में कैमरे लगाए गए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा विधानसभा में संसद भवन में हुई चूक के बाद से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है, इसके बाद हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो रहा है, उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय सिक्योरिटी को लेकर बैठक की थी। उसमें चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी थे, हरियाणा के अधिकारी थे और उसमें जो पंजाब के भी अधिकारी थे। चूंकि हरियाणा और पंजाब का जो विधानसभा भवन है वो संयुक्त तौर पे बना हुआ है, लिहाजा उसमें जो है वो एक पूरी रणनीति बनाई गई थी किस तरीके से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। लेकिन सदन के भीतर की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चूंकि आप जिस तरीके से घटना संसद में सामने आई है, उसके बाद दर्शक दीर्घा के ऊपर पैनी नजर रहेगी। दर्शक दीर्घा के ऊपर पैनी नजर के लिए सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और इसके साथ ही दर्शक दीर्घा और जो माननीय सदस्य बैठते हैं उनके बीच का जो गैप है, उस गैप में सिक्योरिटी जो है वो तैनात की जाएगी, यानी जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको वहां पर नियुक्त किया जाएगा। तो एक बड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सदन के भीतर भी देखने को मिलेगी और सदन के बाहर भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए हैं। जी वही पवन जी, सिक्योरिटी के लिए एंट्रेंस पर किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि हमने देखा था कि संसद में भी कई लेवल की सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी उसे ब्रीच करते हुए दो लोग संसद भवन के परिसर में कूदते हैं, दर्शक दीर्घा से नीचे कूदते हुए नजर आते हैं, तो उसके बाद से एंट्रेंस पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है? आप बिल्कुल देखिए, जो हरियाणा विधानसभा सचिवालय का मुख्य गेट है वहां पर जो है वो काफी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हर बार की जाती है, इस बार उसको और ज्यादा बढ़ाया गया है। जो विधायक हैं उनके साथ जो उनके सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनको भी अंदर आने तक की इजाजत नहीं है और इसके साथ ही जो पास बनेंगे दर्शक दीर्घा के लिए, जो विजिटर आते हैं उनके जो पास बनेंगे उसके लिए पूरी एक उनकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी, कौन दर्शक है, किसके रेफरेंस पर उनका पास बनाया जा रहा है, किस तरीके से वो कहां से आ रहे हैं, उनके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कोई किसी भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाएं, तो पूरी जो उनकी सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही अंदर जो सदन के अंदर की जो अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो वहां पर जहां पर हरियाणा के सदन में जहां विधायक बैठते हैं उनके बीच में और दर्शक दीर्घा के बीच में या फिर विधानसभा अध्यक्ष की जो गैलरी है उसके बीच में अंतर नहीं है, एक थिन लाइन है एक तरह से। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का भी यही कहना था कि एक थिन लाइन है, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी इस बार की गई है। विशेष तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनके ऊपर नजर जो है उन कैमरों के जरिए रखी जाएगी और साथ ही बीच में जो गैप है उस गैप में भी सुरक्षा कर्मी यानी विधानसभा के अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो सदन के भीतर तैनात रहेंगे और पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो रहने वाली है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर पूरी तरह से इंतजाम जो है वो सुरक्षा के किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिवर जी तमाम जानकारी के लिए। दर्शक दीर्घा पर कमांडो तैनात किए जाएंगे। वहीं आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं शोक प्रस्ताव से सदन शुरू किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर यह बड़ी खबर सामने, विधानसभा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं दर्शक दीर्घा पर कमांडो तैनात रहेंगे। आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है।